गाइस देख सकते हैं हमारे ट्रक में भाई स्पेशल फिश कड़ी और चावल बनकर रेडी है। और मछली गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 8 है दोस्तों। हम लोग गाड़ी है जो पार्किंग में लगा दी है। हम लोग अभी है भाई डानकुनी में और अभी सुबह सुबह का टाइम है। ब्रश भी मैंने कर लिया एंड दोस्तों जिया जी भी ब्रश कर लिया है। सो गाइस देख सकते हैं जिया आगे आगे जा रहे हैं एंड दोस्तों अब हम जा रहे हैं मार्केट में और कुछ बढ़िया चीज लेंगे। तो अभी हमको क्या है मोबाइल से पैसे भी निकलवाना है दोस्तों, तो चलो पैसे निकलवाते हैं फिर कुछ लेते हैं, फिर भाई वही घर में हमारे गाड़ी में वही बनेगा। सो गाइस हम लोग अभी हैं मार्केट में एंड दोस्तों यहाँ पे भाई ले लिया हूँ देख सकते हैं मछली। तो आज बनेगा भाई स्पेशल फिश कड़ी एंड दोस्तों मैंने और जिया जी ने सेविंग भी भाई बड़े हो गए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो सेविंग भी बनवा लिया भाई यहाँ पे मार्केट में ही। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, तो सरसों और मसाला है जो वो भी ले लिए हैं, बाकी आटा और चावल है जो वो तो हम ले लिए थे उधर औरंगाबाद जिला वहाँ पे रुके थे वहीं पर ले लिए थे जसैया मोड़ के पास। तो चलो चलते हैं, अब यहाँ से आ गए पार्किंग में और यहाँ से एकदम पास में ही भाई मार्केट था। तो चलो अब फिश कड़ी भाई बनाते हैं एंड दोस्तों देख सकते हैं जय जी गेट खोल के अंदर चले गए हैं बैठ गए हैं। चलो अब हम भी बैठते हैं अंदर और बनाते हैं फिर दोस्तों। आ गए अपने गाड़ी में एंड दोस्तों हमारे गाड़ी में बन रहा है स्पेशल फिश कड़ी एंड दोस्तों चावल तो बहुत दिन हो गया और इस गाड़ी में तो भाई पहली बार ही बन रहा है फिश कड़ी एंड दोस्तों मछली है जो मिला है हमको बर्फ वाला, तो यहाँ पे भाई जिंदा मछली मिल नहीं रहा था। तो चलो बनाते हैं, देख सकते हैं भाई सब कुछ हमने काट लिया है और भाई इसमें मटर भी डाला जाएगा। उधर देख सकते हैं हमने सरसों है जो ले लिए है पाउडर एंड दोस्तों अभी देख सकते हैं मछली को बढ़िया धो के और इसके अंदर मिला दिए थे हल्दी, तो हल्दी मिक्स करके ही दोस्तों फिश करी बनता है एंड दोस्तों इससे क्या है हल्दी मिक्स करके बनाया जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग तल रहे हैं तो मछली को जो दो बार कल के तला जाएगा, तो तीन तीन देखो तीन मछली एक साथ तीन पीसे तल दिए हैं। अभी दूसरा घानी तला जा रहा है, तो ये दूसरा घानी भी तला जाएगा, देखते हैं तीन बार में करके और तलेंगे दोस्तों। तो हमारा बर्तन है जो छोटा है इस कारण से, तो चलो ये देख सकते हैं तलने के बाद भाई कैसा हो गया है, एकदम लाल हो गया है। और इसको मटर के ऊपर रख दिए तो इसका तेल है जो इसके ऊपर रह जाएगा। तो भाई ये भी है जो तैयार होगा 5 मिनट में, गर्म ही था तेल इसके अंदर भाई। मसाला सबसे पहले डाला जाता है तो फ़ौरन डाल दिए थे और मसाला भी डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, मसाला को भूजेंगे बढ़िया लाल करके। एंड दोस्तों देख सकते हैं टमाटर भी डाला जाएगा इस कड़ी में, तो टमाटर भी मैं देख रहा हूँ आधा काट दिया मैंने और आधा भी दो टमाटर काटना बाकी है। एंड दोस्तों देख सकते हैं मछली जो एकदम तल दिए बढ़िया, और देखो भाई तलने के बाद कैसा हो जाता है एकदम पीस है जो लाल लाल हो जाता है। तो चलो अब खाली है जो मसाला को भूजना बाकी है, तो भूजने में ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट लगेगा। एंड दोस्तों आज बन रहा है बिहारी स्टाइल में मछली, तो दोस्तों बंगाल में इधर मछली बहुत ज़्यादा चलता है एंड दोस्तों मछली भी इधर महंगा दिया है। तो ये मछली हमारे गांव की तरफ मिलता है 170 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, और यहाँ पे भाई 200 रुपये किलो मिला है दोस्तों, रहू नाम है इस मछली का। तो यही मछली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है और छोटिया मछली भी थी मतलब वो सब बर्फ़ का ज़्यादा दिन का था इसलिए हमने वो नहीं लिया। तो देख सकते हैं बढ़िया एकदम मसाला भूज दिए हैं, अब इसके अंदर डाला जा रहा है टमाटर, और टमाटर भी भूजेंगे और टमाटर को पूरा गला देंगे। तो चलो इसको भी भूजते हैं और कम से कम 15 मिनट लग ही जाएगा इसको भूजने में एंड दोस्तों उसके बाद भाई तरी तैयार हो जाएगा। और अभी जो मटर डालना बाकी है गाइस, तो अभी मटर भी डाला जाएगा। फिर तरी तैयार होने के बाद फिर हम लोग जो देख रहे हैं आप थाली में फिश मछली फ्राई, तो ये जो दोस्तों डाला जाएगा फिर गाइस। हमारा जो मटर डालने का टाइम आ चुका है, तो टमाटर जो हल्का हल्का गल गया मटर डाल दिया गया है, अब मटर को भी बढ़िया भूजेंगे और हल्का हल्का सेक देंगे और नमक भी हमने डाल ही दिया है। तो दोस्तों तरी है जो तैयार होगा है, मसाला है जो हमारा भूज दिए बढ़िया और भाई खुशबू आने लग गया था मसाले का, तो अब इसके अंदर डाल दिए हम पानी, तो जितना तरी चाहिए फिश कड़ी में उतना हम पानी डालेंगे गाइस। और फिर भाई देख रहे हैं ये मछली ये भाई लास्ट में डाला जाएगा हमारे ट्रक में भाई फिश कड़ी का तरी जो एकदम तैयार हो गया है बनके। एंड दोस्तों अब इसके अंदर जो मछली जो तल के रखे थे साइड में वो डाला जा रहा है गाइस देख सकते हैं। तो चलो अब जो तरी बन गया है अब इसके अंदर जो मछली का जो पीस है वो डाल देते हैं, और दोस्तों 5 मिनट और खोलाएंगे तरी के अंदर और फिर हमारा जो फिश कड़ी स्पेशल बन के ट्रक में तैयार हो जाएगा गाइस। देख सकते हैं हमारे ट्रक में भाई स्पेशल फिश कड़ी और चावल बनकर रेडी है, और ये जिया जी निकाल रहे हैं अभी। एंड दोस्तों चावल को बनने में ज़्यादा नहीं 15 मिनट में ही दोस्तों चावल बन जाता है। दोस्तों फिश जो निकाल लिए हैं
और अब दोस्तों ये जो हमारे गाड़ी में खाना होगा आज का, तो चलो खाना खा लेते हैं अब। हमारा जो फिश कड़ी बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। तो चलो भाई फिश कड़ी खा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं भाई कैसा बना है। तो पहले आलू ये सब डाल के बनाते हैं, इस बार सादा बनाया है। जो मछली एकदम लाजवाब बना है दोस्तों, और टमाटर हम डाल के बना है, मटर भी डाल गया। तो भाई यही खाना है आज हमारा, खा पी के आराम करेंगे दोस्तों। गाड़ी का माल है जो कल खाली होगा, क्योंकि आज तो 26 तारीख है, इस कारण से आज खाली होगा नहीं गाड़ी का माल। तो आज रात को पार्टी बोल दिया है, तो आज रात को हम लोग जाएंगे जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा। तो गोदाम है वहाँ पे, बहुत सारे कंपनी का गोदाम है, दहा का गोदाम है और भी बहुत सारा आइटम का गोदाम है। तो वहाँ पे गाड़ी भी लगाने का सही जगह है दोस्तों, वहाँ पे गोदाम के पास में नाश्ता पानी भी मिलता है। तो रात को हम लोग निकलेंगे 9 बजे, क्योंकि भाई दिन में तो नो एंट्री रहता है उधर, बेलवा इलाका है, शहर है, सिटी है एकदम। तो रात को हमको जाना पड़ेगा। तो बहुत दिन से सोच रहे थे मछली बनाने के लिए, मगर गाड़ी में क्या है जिंदा मछली मिल नहीं जाता, इसलिए बनाने से, मगर लास्ट में भाई बर्फ वाला मछली बनाना ही पड़ गया, मिल नहीं रहा है इधर भाई कोलकाता में। पहले मुंबई वाले रोड में चलते थे तो उसमें जिंदा मछली मिल जाता था नदी का, और इस वाले दिल्ली हाईवे रोड में इसमें मिल नहीं रहा दोस्तों जिंदा। हैं 7:30 एंड दोस्तों मैं रोटी बना रहा हूँ, और सुबह का फिश कड़ी जो बचा हुआ है तो दोस्तों वो गर्म करके, और फिर दोस्तों ये जो हमारा खाना होगा दोस्तों। आज दिन में तो कुछ करें नहीं हम लोग, तो पार्किंग में ही सोए खा पी के, थोड़ा सा घूमा इधर पार्किंग में शाम को, और अंधेरा हो गया। एंड गाइस यही है जो हमारा खाना भी शाम को भी होगा, और पार्टी वाले से बात हो गया है, तो पार्टी वाला बोल रहा है कि रात को 2-3 बजे आ जाना। तो कल देख सकते हैं दिन में भाई खाली हुआ शायद गाड़ी का माल, या फिर परसों यानी कि रात को भी हो सकता है कल। चलो रोटी सेक लेते हैं, और हम लोग रोटी जो आटा है तो ये लिए थे हम लोग बिहार में ही आटा और चावल, तो वहाँ पे सही रेट में मिल गया था, बाकी भाई इधर बहुत महंगा मिलता है। एंड दोस्तों जो हमारा जहाँ पे जहाँ हम लोग हैं कोलकाता, तो यहाँ पे भाई मछली बहुत ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पे मछली कोलकाता में बहुत ज़्यादा है जो खाते लोग, इसलिए हम लोग फिश कड़ी बनाते दोस्तों यहाँ पे। चलो रोटी तैयार हो जाएगा, फिर दोस्तों हम खाना खाएंगे। के बच्चों के नो एंड दोस्तों हमारे ट्रक में देख सकते हैं फिश कड़ी है और रोटी है बन के रेडी हो गया है। तो गाइज ये तो सुबह का ही था, गर्म कर दिया, और रोटी भाई गर्मा गर्म बनाया हूँ, तो देख सकते हैं गाइज थोड़ा थोड़ा गोल हल्का हल्का टेढ़ा हो गया रोटी मैंने बनाया है। तो चलो अब खाना खा लेते हैं, यही खा के आराम करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे 3 बजे 2 बजे रात को भाई निकलना हमको, तो जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा। तो बात हो गया है तो गोदाम में भाई माल खाली होगा गाड़ी का। एंड दोस्तों उस जगह पे एक बार और जा चुके हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है उधर, तो पुलिस का भी कोई टेंशन नहीं। तो भाई कोलकाता में पुलिस का लफड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिटी में नो एंट्री जहाँ पे है वहाँ पे अगर आप गाड़ी खड़ी करते हो रोड के साइड में, तो तुरंत जो पुलिस वाला चालान कर देता है। इधर भाई कोलकाता में ये सब लफड़ा बहुत ज्यादा है पुलिस का। तो बात हो गया पार्टी से, कल गाड़ी का माल खाली होगा सुबह से शाम तक रात तक, और रात को दोस्तों हम लोग निकलेंगे वहां से, गाड़ी का थोड़ा सा काम भी करवाना है, तो यहीं पे वापस आके पार्किंग में और यहीं पे गाड़ी का काम करवाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं लोडिंग कहाँ का मिलता है, खाली होने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो, मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आपको मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।